Hello learners, welcome to others classes. And today I'm going to discuss all question answer of Mending Wall by Robert Frost. So without any delay, we have to start our question answer. We have already discussed question number 1 and 2, and today I'm going to discuss question number 3. So question number 3 is, he is all pine and I am apple orchard. My apple watch tree will never get across and eat the cone under his pines, I tell him. पोइट कहते हैं कि मैंने उनसे कह दिया कि कौन सा मेरा एप्पल जो तुम्हारे ओचियार्ड में पाइन एप्पल खाने के लिए जा रहा है. इसमें आपका सवाल है, हु हैज़ पाइन ट्री एंड हु हैज़ एन एप्पल ओचियार्ड. इसमें से पाइन ट्री कौन है और आपका ओचियार्ड कौन है, किन को कंसिडर किया गया है, पाइन ट्री और एप्पल ओचियार्ड, ये दोनों को किसी ना किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए कंसिडर किया गया, तो किसके लिए किया गया है. Okay, so now let's see our answer. So your answer is, it seems like the speaker is comparing themselves to an apple orchard while someone else has pine tree. It means कि जो speaker है वो खुद का कंपैरिजन सेब के बगीचे से कर रहा है, जबकि कोई और भी एक दूसरा पर्सन है वो पाइन कोन के अकॉर्डिंग कर रहा है. नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डज द पोइट से दैट हिज एप्पल्स वुड नॉट ईट हिज पाइन कोन्स. पोइट ऐसा क्यों कहते हैं कि उनके जो एप्पल्स हैं वो किसी दूसरे के पाइन कोन्स को खाने नहीं जाएंगे. सो योर आंसर इज, द पोइट यूजेज मेटाफोरिकल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ सेपरेशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द पर्सन डिस्क्राइब एज ऑल पाइन. And the apples not eating the pine cones signify the inherent boundaries and differences between their respective natures or characteristics. It means the poet यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए जो और एक second person है उसके लिए एक separation का, अलगाव का फीलिंग्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो कि मेटाफोरिकल रूपक लैंग्वेज में यूज किया गया है. दोनों के बीच में कंपैरिजन सेपरेशन बता रहा है. इट्स अ वे ऑफ एलिस्ट्रेटिंग द अनयूनिकनेस एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच एंटिटी. तो अकॉर्डिंग टू द पोइट वो क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ प्रत्येक की अपनी विशिष्टता, प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता को दर्शाने का एक अच्छा तरीका है. नाउ कम टू द सी नंबर क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज द पोइट वांट हिज नेबर टू डू एंड इज द नेबर हैप्पी टू ऑब्लाइज. दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि जो पोइट है वो अपने नेबर से क्या चाहता है और क्या उनके जो नेबर्स हैं उनकी हेल्प के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए वो खुश हैं क्या, वो उनकी हेल्प टू अब्लाइज हैं क्या. सो नाउ योर आंसर इज, द पोइट सीम्स टू बी एक्सप्रेसिंग अ डिज़ायर फॉर देयर नेबर्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट द डिफरेंसेस बिटवीन देम सिम्बलाइज्ड बाय द कंट्रास्ट बिटवीन पाइन ट्री एंड एप्पल orchards. So the poet want to say that कि poet चाहता है कि उसके जो neighbors हैं वो उनके desire को, उनके इच्छा को समझे, है ना, understand करे, उसे उसकी appreciate करे, तारीफ करे. और ये जो symbol है दोनों के बीच का, जो symbol है, प्रतीक है उनका, pine cone का है और इनका जो सेब
का पेड़ है, दोनों के बीच में के जो अंतर है, डिफरेंसेस है, उसको समझे। ऐसा वो अपने पड़ोसी से चाहता है। सो हाउएवर इट्स अनक्लियर इफ द नेबर्स आर विलिंग टू अब्लाइज और अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव एज द पोइट मेंशन दैट देयर एप्पल्स ट्री विल नेवर गेट अक्रॉस टू ईट द कोन्स अंडर द नेबर्स पाइन। सो दिस कुड सजेस्ट अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन अबाउट द नेबर्स। इतना नहीं लिखना है, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, यहीं तक लिखना है। ज़्यादा लेंदी करने की नीड नहीं है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया कि वो अपने पड़ोसियों से नहीं, पड़ोसी से चाहता है कि वो मेरी तारीफ करे। इधर और नहीं लिखना है, पाइन तक ही लिखना है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाट डज द पोइट्स नेबर से टू हिम। पोइट्स के नेबर क्या कहते हैं उनके लिए। द आंसर इज द पोयम डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट द पोइट्स नेवर सेज इन रिस्पॉन्स। सो द फोकस इज मोर ऑन द पोइट्स पर्सपेक्टिव एंड द मेटाफोरिकल कंट्रास्ट बिटवीन द पाइन ट्रीज एंड एप्पल ऑर्चर्ड। इट मीन्स कि पोइट इस बारे में स्पष्ट जानकारी यहाँ नहीं दिया गया है, कोई भी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, है ना। तो जब कोई चीज़ यहाँ क्लियर नहीं है, इसलिए पोइट के अकॉर्डिंग और पोइट के प्रोस्पेक्टिव से ये जो पाइन कोन के ट्री हैं और जो एप्पल ऑर्चर्ड है, दोनों के बीच में कैसा है, एक कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहा है, एक विरोधाभास पैदा कर रहा है दोनों के बीच में, उस पर अधिक ध्यान दिया गया है, यही वो कहना चाहता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे मैंने सिर्फ आंसर लिखा है बच्चों, क्वेश्चन आप अपने बुक से लिख लेना है। क्वेश्चन है हु इज लाइक अ सेवेज ऑफ द स्टोन एज। तो स्टोन एज का सेवेज कौन है यहाँ पर। सो द आंसर है फोर के ए का, द लाइन इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज आर्म्ड रेफर टू द नेबर। उसके पड़ोसी को ही ये रेफर किया गया है, हु इज लाइकेंज टू एन एंशियंट वॉरियर और सेवेज ऑफ द पास्ट। जो कैसे प्रतीत कर रहा है कि किसी प्राचीन काल का वो वॉरियर है पास्ट का, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर टू, फोर का क्वेश्चन बी, व्हाई डज द पोइट यूज नेगेटिव इमेज लाइक सेवेज एंड डार्कनेस इन दिस लाइन। तो पोइट यहाँ नेगेटिव वर्ड्स क्यों यूज कर रहा है, सेवेज डार्कनेस ऐसे ऐसे वर्ड क्यों यूज कर रहा है। सो योर आंसर इज द पोइट यूजेज नेगेटिव इमेजरी लाइक सेवेज एंड डार्कनेस टू कन्वे अ सेंस ऑफ प्रिमिटिव एंड अन इनलाइटेंडिंग बिहेवियर और मिडेस्ट। सो द इमेजरी इम्फेसाइजेज द नेबर्स अदर एंड्स टू ट्रेडिशन एंड रिलुक्टेंस टू इम्बेरेंस चेंज और न्यू परस्पेक्टिव। इट मीन्स कि ये जो पोइट हैं वो आदिम और अज्ञानी व्यवहार का मध्य मार्ग की भावना को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर सेवेज यानी कि बर्बरता और डार्कनेस यानी कि अंधकार जैसे नेगेटिव इमेजेस का यूज कर रहा है, क्योंकि ये जो इमेज है, ये जो इमेजनरी है, कल्पना है, परंपरा और अनबैलेंस चेंजेस जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये इस चेंजेस पर जोर दे रहा है, अनबैलेंस चीज़ों पर जोर दे रहा है, इसीलिए पॉइंट यहाँ पर डार्कनेस और सेवेज जैसे नेगेटिव वर्ड्स का यूज कर रहा है। ओके कम टू द क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज़
Why do you think the poet never hides behind the tradition of his father saying, good fences make good neighbors? तो ये इस क्वेश्चन में कवि के फादर्स की बात की गई है कि वाई डू यू थिंक, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो पोइट हैं, पोइट ने अपने पिता की इस पारंपरिक और परंपरा के पीछे कभी क्यों नहीं छुपा, वो क्यों कभी हाइड नहीं हुए, इस ट्रेडिशन के बिहाइंड क्यों नहीं हुए कि जो गुड फेंसेज होते हैं वो अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। फेंसेज मतलब बेटा बाढ़ होता है, जैसे हम लोग ना किसी एरिया में खेत वगैरह में जो बाढ़ लगाते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड फेंसेज। तो कभी को ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अपने पिता के इस परंपरा के पीछे नहीं छुप सकता है? सो नाउ लेट्स आंसर, लेट्स सी द आंसर। योर आंसर इज द नेवर सीम्स टू हाइड बिहाइंड द ट्रेडिशन ऑफ हिज फादर सेइंग, वो अपने पिता के इस परंपरा के पीछे खुद को नहीं छुपा पाए, बिकॉज ही वैल्यू द फेमिलैरिटी एंड स्टेबिलिटी, वो फेमिलैरिटी और स्टेबिलिटी को वैल्यू देते थे, इट प्रोवाइड्स, एंड बाई क्लिंगिंग टू हिज ट्रेडिशनल बिलीव एंड मेंटेन्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कम्फर्ट इन हिज अंडर गोइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड बाउंड्रीज, तो उनकी समझदारी ने रिलेशनशिप और उनके बाउंड्रीज को कम्फर्ट में रखा है। ओके यहीं तक लिखिए, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। एडिशनली वाला पार्ट मत लिखिएगा, बस यहाँ तक लिखिए, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाट डज इट टेल अबाउट द पोइट्स नेवर, तो पोइट्स के नेवर के बारे में वो क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4D आंसर, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेवर सजेस्ट समवन हु इज डीपली इंट्रेंच्ड इन ट्रेडिशन एंड अनविलिंग टू चैलेंज और क्वेश्चन द बिलीव पास डाउन फ्रॉम प्रीवियस जेनरेशन, यहीं तक लिखिए, प्रीवियस जेनरेशन और आगे मत लिखिए, यहाँ तक मैं आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है कि नेवर्स के बारे में क्या कहता है, वो ट्रेडिशन और अनविलिंग है, किसी चीज़ को जानने की उसकी इच्छा ही नहीं है, किसी परंपरा को वो मानना ही नहीं चाहता है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डील इन द नेक्स्ट वीडियो, अभी हमने क्वेश्चन ए का 3 और 4 जिसमें कि आपके 4 क्वेश्चन थे हम लोगों ने डील किया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन बी का क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सारे क्वेश्चन आंसर बनाने के बाद लिखना भी है बेटा, रोट प्रोसेस इज़ नॉट वेरी गुड, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, लर्न करना है, पढ़ना है, सीखना है। थैंक यू सो मच।